बात लाइव जा रही है दर्शकों तक भी, पाकिस्तान में बैठे लोग भी आपको जरूर सुन रहे होंगे और सीमा तक भी लाइव आप जो बोल रहे हैं वो सीमा तक पहुंच रही है, सारी बातें मीडिया पहुंचा रहा है। सीमा, दरअसल हैदर ये कहना चाहते हैं कि तलाक तो अभी शायद आप दोनों के बीच में हुआ नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि आप सीमा हैदर हैं, सीमा गुलाम हैदर हैं, अभी आप सचिन की पत्नी है नहीं। इस पर आपका जवाब? या फजल की परिवार है ये हिंदू मुस्लिम? मेरा इस पे ये जवाब है, पहली बात तो ये मुझे छोड़ चुके हैं। जी सीमा बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी मैं ये कह रही हूँ, पहले तो ये मुझे छोड़ चुके हैं, ये बात से मानने से इनकार कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं हिंदू धर्म में आ गई हूँ तो मैं इस निकाह को नहीं मानती, ठीक है मैम। और अगर हैदर फिर भी चाहते हैं कानून डिवोर्स हो तो मैं इनसे कानून डिवोर्स भी लेना चाहती हूँ। आजकल ऑनलाइन निकाह ऑनलाइन हो सकता है, डिवोर्स ऑनलाइन हो सकता है, सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है, इनसे ऑनलाइन डिवोर्स लेने के लिए तैयार हूँ, तो ये क्यों मना कर रहे मिलेगा है ना, तेरी बात सुनेगी ऑनलाइन में लेकर करूंगा, तेरी बात की जो मिलके रहता है तुम ही होगा है ना। हमारे सरकार मर गए, जनता को आग लग गई, जैसा एक औरत बोलेगा हम चुप करके देखेंगे कि ठीक है तुम क्या कर रहे हैं हमारे साथ, ये तुम्हारी बेवकूफी है। तुम इतना झगड़ा ठीक रखनी चाहिए। सीमा कानूनी तरीके से ही आपसे बात कर रही है, वो ये कह रही है तलाक उन्हें चाहिए, आप ऑनलाइन दे दीजिए या कानूनी तरह से जो भी ठीक है आप उन्हें तलाक दे दीजिए, वो सीधा आपसे तलाक मांग रही है। हैदर आप भी आगे कानूनी तरह से बढ़ेंगे? हम कानून की तरह कोशिश कर रहे हैं, मैं रब्ते में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कानून और अदलिया इंसाफ क्यों नहीं कर रहे हैं। चार दिन से मैं गया हूँ, मेरे साथ ना इंसाफी है ना इंसाफी है, आप ये झगड़ा आगे तक नहीं पहुंचाया जाए, जो सजा का हकदार है उसको सजा दी जाए। मैंने तो और कोई बात नहीं रखा आगे सरकार के, जो सजा के हकदार है उसको सजा होनी चाहिए, बात खत्म है। सीमा एक बात तो ये सच है कि आप जिस तरीके से हिंदुस्तान में आई है वो अवैध है, और देखिए अभी कानूनी लड़ाई अगर आप आगे लड़ेंगे भी तो उसमें बहुत मुश्किल आने वाली है। आपने यहाँ से कुछ सोचा है कि अब आपको आगे क्या करना है? क्योंकि अगर आप ये कह रही हैं कि वहां से लगातार धमकियां भी मिल रही हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप आगे क्या करना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में आप अवैध तरीके से आई है ये तो सही है। सीमा क्राइम है, बिल्कुल मैम मैं मानती हूँ मेरी गलती है मैम, तो इसके लिए मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूँ। जी हाँ, यहाँ का कानून जो सजा देगा मुझे कबूल है, पर मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती मैम। मैं पूरी जिंदगी ताउम्र जेल काट लूंगी मैम, पर मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगी। मेरे बच्चों का और मेरा फ्यूचर यहाँ है, पाकिस्तान में नहीं है, हमारा वहाँ खत्म हो चुका। प्लीज मैम ये सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हैदर से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे बच्चे खुश हैं, हमें रहने दे। अगर डिवोर्स की बात आती है मैं डिवोर्स लूंगी, और ये कह रहे हैं जेल जेल, तो जेल सचिन नहीं जाएगा, जेल जाएगी तो सीमा जाएगी, और मैं वो तैयार हूँ मैम। मेरी भी चल रही है जांच, जब भी ये क्लियर होगा तो मुझे सजा कबूल है। सीमा पाकिस्तानी है? मैं भारतीय हूँ, मैं हूँ, मैं हिंदू धर्म में हूँ और भारतीय हूँ, बाकी जो चीजें हैं वो हो जाएंगी, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी कहने से अदालत से ही होगा, अदालत से ही होगा, अदालत से ही होगा ना, पूरी दुनिया को आग लगाएगा। तू बहुत गलत कर रहे है सीमा, बहुत गलत कर रहा है, इतना गलत कर रहे है ना, तेरी सात नस्ल भी पछताएगी और तू भी पछताएगा, ये याद रखना। तू तो गई है, तेरे को तो फांसी होने ही होने, तू अपनी नस्ल को बर्बाद करवाना चाहता है, तुम हमारे को बदनाम करवाना चाहता है, धमकी दे रहे हैं, क्या क्या धमकी दे रही मैम, पूरी दुनिया गलत नहीं है, भारत गलत नहीं है, उम्मत मुसलमान गलत नहीं है, तू गलत है, तुमने तुम बोलते हैं फलाना ऐसा था, पीरा ऐसा था, ये कौम ऐसा है, हमारी कौम बहुत एक गैरतमंद बाशूर लोग हैं, हम सच कह रही हूँ, हम गलत होंगे, सच कह रही हूँ, जो मैंने आँखों से देखा मैं वो कह रही हूँ। क्या बागी खान ने अपनी बहन को नहीं मारा था? कौन सच है कौन गलत है, हम बाशूर लोग हैं, औरतों की इज्जत जो बलोच करते हैं ना कोई कर ही नहीं सकता, मौत तुम नहीं दे सकते, मौत ऊपर वाला देगा, जब मिट्टी होगी तो बलोच रहते हैं, हम बलोच इज्जतदार लोग हैं, एक औरत गंदी होने से पूरा बलोच गंदा नहीं हो सकता। गैरत के नाम से चार चार शादियां करते हो, गैरत के नाम से औरतों को मारते हो, गैरती हो, गैरत के नाम से दूसरी औरतों के साथ गलत रिश्ता रखते हो, मैं खराब हूँ, मुझे सजा मिले, तुम्हारे को शर्म होता है तो सच कहूंगी, अब तक मेरे भविष्य में कुछ नहीं कहा था आपको, तुमको गैरत तो जरी भी नहीं है। हैदर आप इतने आरोप सीमा के ऊपर लगा रहे हैं,
हैदर, आप लाइव सीमा को धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं न्यूज 18 इंडिया के ऊपर। बीते 5 मिनट में आपने कई धमकियां आप तक सीमा को दे दी हैं, तो आप जब उन्हें गलत ठहरा रहे हैं तो आगे कानूनी हैदर कानूनी तरह से आगे बढ़ेंगे। कार्रवाई आपने कुछ की है? कानून का सहारा लिया है? शुरुआत अभी तक कुछ की है? कौन सी धमकी दी जो सच है? मेरी इज्जत है, मेरी गैरत है, जाके कौन बलोच को बदनाम कर रहा है, पूरे पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। देख शर्म औरत कहे ना मैं गलत हूँ, मैं क्रिमिनल हूँ, मुझे सजा हो, अभी तक इसको शर्म नहीं आया, अभी तक इसको गैरत नहीं जाग रहा है, इतना ये बेवकूफ बन चुका है। गुलाम गुलाम किसी एज में ठेका नहीं लिया है, सुनिए मेरी बात। अब वो ये कह रही है कि वो आपके साथ अगर नहीं रहना चाहती है, वो कानूनी लड़ाई लड़ने को लेकर तैयार है। आप मेरी बात सुनिए गुलाम, अगर वो कानूनी लड़ाई भी लड़ती है तो भी कौन सा कानून ये कहता है मुझे बताइए कि जबरदस्ती आप किसी के साथ रिश्ते में रह सकते हैं? अगर वो कानूनी लड़ाई लड़ रही है तो आपका स्टेप क्या है? हम तो ये पूछ रहे हैं, आप ये बताइए आप आगे क्या करेंगे? आपने कानूनी लड़ाई लड़नी शुरू कर दी है क्या? इसको बख्श दिया जाएगा? ये तो जरा मैं भारत में बैठ के जो भी मैं इधर से बोलूंगा मुझे कुछ नहीं होगा। अरे तू तो गया ही गया, पूरे तू हिंदू और मुस्लिम को लड़वाना चाह रहा है बेगरत इंसान, तेरे को तो जरा सा शर्म आंखों में नहीं है। पाकिस्तान के वो मुस्लिम हिंदू जो है वो पाकिस्तान के नहीं है, तुम्हारे कहने से होगा? तेरे को बख्श दिया जाएगा है ना, लड़ाई का हैदर तो ठीक ढंग से कोई जवाब दे नहीं रहा है। क्या आपने तलाक को लेकर कोर्ट का अभी तक सहारा लिया है या आपने मन बनाया है आगे उस ढंग से बढ़ने का? क्योंकि इतना सही है कि अगर पहली शादी आपकी किसी के साथ हुई है तो फिर दूसरी शादी को उचित नहीं ठहराया जा सकता। क्या आप आगे बढ़िए कानून के हिसाब से? मैम जैसे कि पाकिस्तान, मेरी बात सुनिए मैम, जैसे कि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है और वहाँ आज भी हर मुस्लिम तरीका चला जाता है, ये मानने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि मैं भारत में हूँ और हिंदू के साथ बैठी हूँ, तो इसलिए इनको थोड़ा ज़्यादा वो लग रहा है और मैं इंटरनेट पे वायरल हो रही हूँ, तो इनको ये जो कह रहे हैं गैरत का मसला तो यही बन रहा है, इसलिए ये मानने से इनकार कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इनसे यही कहूँगी कि मैं लूँगी। चलो वो डिवोर्स नहीं मानते, मेरे पति तो हैं नहीं, ये वो डिवोर्स नहीं मान रहे, दोबारा भी लूँगी। पर इसका ये मतलब मैं पाकिस्तान तो कभी भी नहीं जाऊंगी, हैदर के साथ मैं कभी भी नहीं रहूंगी। मैम ये एक क्रिमिनल है, जिस तरह आपको इनकी लैंग्वेज से नहीं लग रहा, मेरे साथ भी इस तरह ही बात करते थे, गाली गलौज देके, कोई भी बात होती थी चिल्लाना, गाली गलौज देना, खानदान की धमकी देना। अब ये मुझे मेरे जो मेरी बहनें हैं उनके बारे में धमकी दे रहे थे कि तुम्हारी जो नस्लें हैं वो भी तबाह हो जाएंगी, उनके बारे में कह रहे थे। तो मैम मुझे नहीं पता, पर मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। आपने पहले भी बताया कि आपने उस घर को बेच दिया पैसा क्योंकि आपको इकट्ठा करना था, वाया वाया आप कैसे हिंदुस्तान आए वो आप सब जानते हैं, लेकिन क्या आपने दूसरी भी कोई कोशिश की थी? क्या पहले आपने बात करने की कोशिश की गुलाम से कि कोई और तरीका निकल जाए और शायद उसके बाद आप तलाक लेके या फिर जो भी कानूनी दाव पेच होते हैं उसके बाद आप हिंदुस्तान आए? इससे पहले क्या हुआ आपने?